नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपके फ़ोन की डिजिट आपको पता है दोस्तों, जो अंक होते थे वो 10 तक थे। लेकिन दोस्तों अब एक नया नियम आएगा, आगे आपको जो फ़ोन के नंबर हैं दोस्तों वो 11 अंकों के दिखाई देंगे। दोस्तों क्या जो ट्राई ने एक नया नियम या वो नई जो योजना बनाने की सोच रहा है उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ट्राई का जो नियम है, जो 11 अंकों के आपको फ़ोन नंबर मिलेंगे अब आपको देखने के लिए आगे, तो उसकी पूरी बातचीत करते हैं दोस्तों। टेलीकॉम रेगुलेटरी संस्था ट्राई ने देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण कनेक्शन की बढ़ती मांग की समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल की मौजूदा संख्या 10 से बढ़ाकर 11 करने पर लोगों से विचार मांगे हैं। सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन के बीच संचार प्रक्रिया स्थापित करने के लिए 13 अंकों वाली श्रृंखला का प्रयोग पहले ही शुरू कर चुकी है। ट्राई के मुताबिक 2050 तक देश में लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 260 करोड़ नंबरों की आवश्यकता होगी। ऐसे मोबाइल नंबर के अंकों को बढ़ाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 में चीन को पीछे छोड़ते हुए 160 करोड़ जनसंख्या के साथ शीर्ष पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में 120 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है दोस्तों। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्होंने मांगी, अपने परामर्श मांगे दोस्तों, ट्राई ने परामर्श पत्र में कहा कि यदि ऐसा माना जाए कि 2050 में भारत में वायरलेस टेलीफोन का घनत्व 200% बढ़ेगा, तो ऐसे में लगभग 328 करोड़ मोबाइल नंबरों की जरूरत होगी। और इस आवश्यकता को देखते हुए ट्राई ने 11 अंकों के मोबाइल नंबर की इस योजना पर लोगों की राय मांगी। इसके लिए ट्राई ने 21 अक्टूबर तक डेडलाइन तय की है दोस्तों। आप भी अपनी राय जरूर देखिए, 11 अंकों के नंबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 11 नंबर के जो फ़ोन नंबर है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।